ट्रैक इन टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए। दोस्तों कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसे, आप देख रहे हैं ट्रैक इन टेक। और जियो फोन अनाउंस होने के बाद इमीडिएटली 3-4 दिन के बाद एयरटेल ने भी अनाउंस किया कि वो ला रहे हैं अपना खुद का लो कॉस्ट फीचर फोन। और अब आइडिया सेल्यूलर ने भी वही किया, उन्होंने कहा है कि हम भी एक लो कॉस्ट फोन ला रहे हैं, लेकिन वो फीचर फोन नहीं है, वो स्मार्टफोन है। जी हाँ, आज उनके जो हेड है उन्होंने कहा है कि हम 2500 रुपए का स्मार्टफोन लेके आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सब डिटेल्स आपको दूंगा, ये वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कीजिएगा, वो जो घंटी है उसको भी जरूर दबाइएगा। 2500 का स्मार्टफोन अभी भी मिलते हैं, वैसे 3500-4000 के स्मार्टफोन्स मिलते हैं, लेकिन आइडिया ने कहा है कि हम लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ टाई अप करके इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है, मतलब कॉस्ट है वो जो स्मार्टफोन का, वो 2500 रुपये तक लेके आएंगे। और 2500 रुपये तक लेके आएंगे, इसका मतलब क्या कि अगर आप 1500-2000 का फीचर फोन लेने वाले हैं, क्यों ना 2500 का स्मार्टफोन ले लिया जाए। जी हाँ, ऐसे ही है आइडिया की सोच। उनको लगता है कि अगर हम 2500 का स्मार्टफोन लेके आएंगे तो जियो फोन का इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जैसे जियो फोन लॉक्ड है, मतलब उसी उन्हीं के नेटवर्क का सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आइडिया का नहीं है। आइडिया का जो 2500 का स्मार्टफोन होगा वो अनलॉक्ड होगा। इसका मतलब आप आइडिया के साथ जाओ, एयरटेल के साथ, जियो के साथ जाओ, किसी का भी सिम कार्ड जो है वो एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो अभी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। जियो फोन अनाउंस होने के बाद तो वो आ ही गया था, लेकिन दूसरे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो इतने डर गए थे कि उन्होंने उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। और वैसे ही एयरटेल ने किया और अब आइडिया ने भी वही किया। आइडिया ने स्मार्टफोन की लॉन्च की घोषणा या अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन ये नहीं बताया है कि कब आने वाला है। सब हवा में है अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक स्मार्टफोन होगा और 2500 का होगा। 3 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा या 10 साल के बाद आएगा, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से ये ईयर एंड या अगले साल के जैन फेब के महीने में आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तीसरी बात एक समझनी चाहिए आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन और इन सब लोगों ने, कि जियो का जो प्लान है वो ये नहीं है कि वो पैसे बनाए फ्री वॉइस कॉलिंग देके या उनके जो फीचर फोन है उसके ऊपर। वो पैसा ऐसा नहीं बनाने वाले हैं। दे आर अ कंपनी विथ डिजिटल इकोसिस्टम, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एज अ टेलीकॉम नेटवर्क। वो खुद को टेलीकॉम नेटवर्क नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या कि वो सबको कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो देंगे, लेकिन वो जो पैसे बनाएंगे वो उसके ऊपर जो कंटेंट होगा उससे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उनके जो ऐप, इसीलिए उन्होंने सब ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा, जियो टीवी, ये सब जो है उसके ऊपर से वो पैसा बनाएंगे। अभी वो सिर्फ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैला रहे हैं। तो ये है जियो का आगे का प्लान, आप देखते रहिए। आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले वक्त तक के लिए।